टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के दर्शकों नमस्कार। कविता के बारे में बहुत पुरानी उक्ति है, कविता में क यानी कल्पना, वी यानी विचार, ता यानी तालमेल, अर्थात जहाँ कल्पनाओं का विचारों के साथ तालमेल हो जाता है वहाँ कविता का जन्म होता है। 20 वर्ष पूर्व इंदौर के कार्यक्रम में जिसका संचालन मैंने किया था, एक मनुहार पुस्तक का विमोचन हुआ था। उस मनुहार पुस्तक के विमोचन समारोह में अतिथियों ने एक बड़ी खूबसूरत उक्ति कही थी, एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि प्रदीप तुम नवीन हो, नवीन गीत गाइए, नवीन अनिकेत थे निकेत तुम हो पाइए। इन पंक्तियों के साथ आज हमारे इस एपिसोड में उपस्थित हो रहे हैं देश के जाने माने हास्य कवि प्रदीप नवीन जी। प्रदीप नवीन जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। प्रदीप नवीन हास्य की एक विलक्षण विधा के धनी हैं। न केवल वो हास्य में अपनी रचनाएं कहते हैं अपितु वो गीतकार भी हैं, और उनका अपना प्रस्तुति का नया अंदाज है, ढंग है, तरीका है, और मैं उनकी कविताओं से अपने श्रोताओं को लाभान्वित करवाऊं इसके पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। उनकी बड़ी लोकप्रिय कविता है, मुझे उस कविता के संदर्भ में एक बात याद आ गई। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर, यातायात नियमों को लेकर, यातायात की बातों को लेकर हास्य किया है, व्यंग किया है। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो महुना का चौराहे पर मुझे पुलिस वाले ने रोका। पुलिस वाले ने कहा हेलमेट नहीं है, चालान बनेगा। मैंने कहा साहब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में मैं घर से निकला और हेलमेट घर ही भूल गया, अब देख लीजिए आप। बोले 500 रुपये की रसीद कटेगी। मैंने कहा थोड़ा कुछ देख लीजिए। बोले ठीक है 100 रुपये दो। मैंने 100 रुपये दिए। मैंने कहा साहब अगले चौराहे पर यदि कोई पुलिस वाला रोके तो बोले बोल देना कोका कोला। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जैसे ही बड़े गणपति चौराहे पर पहुंचा, मुझे पुलिस वाले ने रोका, मैंने उनसे कहा कोका कोला, उसने मुझे सहर्ष जाने दिया। अब अगले दिन फिर ये घटना, मैं फिर घर से हेलमेट भूल कर आया, चौराहे पर मुझे रोका, मैंने कहा कोका कोला। बोले बेवकूफ वो तो कल था, आज तो पेप्सी है। तो कविताओं के साथ साथ व्यंग की वो भूमिका है, हास्य की वो भूमिका है जो हर विधा को जीना जानती है। आपने ट्रैफिक को लेकर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। प्रदीप जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों तक आप अपनी वो कविता पहुंचाएं। नमस्कार। पहले दो पंक्तियां मैं आज के संचालक को ही समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत। सुंदर भी है श्याम भी ऊपर से है पलोड़, सुंदर भी है श्याम भी ऊपर से है पलोड़, संचालन और कविता को देता अच्छा मोड़। क्या बात, एक ज्वलन समस्या है ट्रैफिक की। मेरा 4 बार चालान बन चुका, किन किन कारणों से बना ये मैंने गीत के माध्यम से कहा है। क्या बात, चारों देव। और फिर आखिरी में आखिरी बन एक समझाइश के तौर पर श्रोताओं को समर्पित कर रहा हूं। स्वागत। घर से चौराहे तक निकला लेने कुछ सामान, मेरा कट गया रे चालान, मेरा कट गया रे चालान। घर से चौराहे तक निकला लेने कुछ सामान, मेरा कट गया रे चालान, मेरा कट गया रे चालान। कहीं भी जाना सेट नहीं था, करना किसी का वेट नहीं था। कहीं भी जाना सेट नहीं था, करना किसी का वेट नहीं था। ढका हुआ था तन कपड़े से, पर सर पे हेलमेट नहीं था। रुपए 500 भरने पड़ गए, जेब है खालिस्तान, मेरा कट गया रे चालान, मेरा कट गया रे चालान। और सामान भी किसका, श्याम सुंदर पलोड़ का। चालान मेरा और सामान इनका, ये घटना हुई। दूसरा बंद देखें। स्वागत।
घर से चौराहे तक निकला लेने कुछ सामान मेरा, कट गया रे चालान। ऊंघी सोई और अध लेटी, पड़ोस में ही वाइफ बैठी। ऊंघी सोई और अध लेटी, पड़ोस में ही वाइफ बैठी। अच्छा खासा बीमा अपना, अच्छा खासा बीमा अपना, यूं लगता कि लाइफ बैठी। वाह वाह, सीट बेल्ट का नहीं लगाया, धरी रह गई शान मेरा, कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान। घर से चौराहे तक निकला लेने कुछ सामान मेरा, कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान। ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं था, अपना तो लाइसेंस नहीं था। ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं था, अपना तो लाइसेंस नहीं था। फिर भी वो झाड़ी अंग्रेजी, जिसमें कोई सेंटेंस नहीं था। मोबाइल पे बात करा दी सीएम का फरमान, फिर भी कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान। घर से चौराहे तक निकला लेने कुछ सामान, और चौथा चालान देखें कैसे कटा। स्वागत। ट्रक में कोई नहीं खराबी, तेज गति कम नहीं जरा भी। ट्रक में कोई नहीं खराबी, तेज गति कम नहीं जरा भी। चार पाई पर खाना खाया, आंखें थोड़ी हुई शराबी। पुलिस ने पकड़ा और सूंगा, देसी ठर्रा तान मेरा, कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान। घर से चौराहे तक निकला लेने, और अंतिम बन पूरे जनता को समर्पित कुछ समझाइश देने हेतु। देखिए, ट्रैफिक के नियमों को पालें, आते हर संकट को टालें। सब ट्रैफिक के नियम को पालें, आते हर संकट को टालें। आगे निकलने के चक्कर में टॉप गियर तो कभी न डालें। पल भर में ही मिट जाएंगे भविष्य के अरमान मेरा, कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान। घर से चौराहे तक निकला लेने कुछ सामान मेरा, कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान मेरा, कट गया रे चालान। इन पंक्तियों के साथ बहुत अच्छी हास्य की कुछ बंदों की इस कविता ने निसंदेह एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश, और किस तरह से सामाजिक जीवन में, आम जीवन में बातें हम तक पहुंच सकती है, हमारी चीज़ों को, हमारी व्यथा कथा को आपकी कविता के माध्यम से निसंदेह प्रदीप जी आपने पहुंचाया। मुझे स्मरण है आपकी कविता जो कटक को लेकर है। अब जब इस देश में अटक से लेकर कटक तक इस देश का नागरिक, अखंड भारत का नागरिक माना जाता है, तो मुझे स्मरण है कि कटक वाली कविता यदि हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे तो हमारी वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं आज के इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं प्रदीप जी कि कटक वाली कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। श्रोताओं, एक बार मैं, श्याम सुंदर पलोड़ और विशंबर नाथ, हम तीनों कटक गए। ये दोनों मुझे वहीं छोड़ के सटक गए, हम वहीं अटक गए। और उस समय जो मैंने गीत लिखा वो आपको सुना रहा हूँ। स्वागत। कटक की दो तीन विशेषताएं हैं। एक तो वहाँ स्वादिष्ट दही बड़ा मिलता है, एक वहाँ महानदी है, और बहुत बारीक चांदी का काम होता है। अच्छा। ये देखें आप और गीत सुने। स्वागत। हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए। वाह वाह। हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए, हम कटक गए। सारे डोलते कुछ न बोलते, सारे डोलते कुछ न बोलते, हाथ जोड़ पूछूं मैं मुंह न खोलते। वाह वाह। सारे डोलते कुछ न बोलते,
हाथ जोड़ पूछूं मैं मुंह न खोलते, जैसे सबकी आंख में हम खटक गए, हम खटक गए, हम खटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए, हम खटक गए। आपको दही बड़ा खिलाता हूँ। क्या दही बड़ा दोने में पड़ा, क्या दही बड़ा दोने में पड़ा, एक जोड़ा खा रहा था खड़ा खड़ा, क्या दही बड़ा दोने में पड़ा, एक जोड़ा खा रहा था खड़ा खड़ा, खा के दोनों बीच में ही पटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए, हम कटक गए। अब महानदी, एक महानदी बीती कई सदी, एक महानदी बीती कई सदी, उसके साथ जुड़ गई नेकी और बदी, एक महानदी बीती कई सदी, उसके साथ जुड़ गई नेकी और बदी, कुछ तो पार लग गए कुछ अटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए, हम कटक गए। और श्रोताओं, चार चीजें आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएंगी, वो चार चीजें कौन कौन सी हैं ये देखो। स्वागत। चोर सब जगह, मोर सब जगह, चोर सब जगह, मोर सब जगह, बुद्धिहीन ढूंढो तो ढोर सब जगह, चोर सब जगह, मोर सब जगह, बुद्धिहीन ढूंढो तो ढोर सब जगह, एक अकेला देख कर सब झटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए, हम कटक गए। और इतने बड़े सारे मेले ठेलों में क्या होता है, किसकी आंखें कहाँ जाती हैं, ये देखो। एक वृक्ष पर जैसे वक्ष पर, एक वृक्ष पर जैसे वक्ष पर, सबके तीर तन गए अपने लक्ष्य पर, एक वक्ष वृक्ष पर जैसे वक्ष पर, सबके तीर तन गए अपने लक्ष्य पर, जितने पंछी पेड़ पर सब लटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़। और अंतिम बंद जो चांदी का काम है बारीक, वो देखो कैसे जोड़ा है। चांदी गलती है आंधी चलती है, चांदी गलती है आंधी चलती है, पत्नी अग्नि सामने किसकी चलती है, चांदी गलती है आंधी चलती है, पत्नी अग्नि सामने किसकी चलती है, अच्छे अच्छे सूरमा भी चटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए, इतनी भीड़ सड़कों पे हम भटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए, हम कटक गए। वाह, हम कटक गए। इन पंक्तियों के साथ प्रदीप नवीन जी ने बहुत खूबसूरत कविता, अपनी नई कविता, अपनी स्टाइल वाली कविता निसंदेह श्रोताओं तक पहुंचाई और उससे हम लाभान्वित हुए। और मैं तो प्रदीप जी के लिए कहना चाहता हूं कि मिलेगी परिंदों को मंजिल एक दिन, फैलाए हुए उनके पर बोलते हैं और खामोश रहते हैं अक्सर वे लोग जमाने में जिनके हुनर होते हैं। क्या इन हुनर को लेकर प्रदीप नवीन जी ने बहुत सारी कविताएं हम तक पहुंचाई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।